नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में लगभग 200 से ज्यादा, हाँ दोस्तों 200 से ज्यादा लड़कियों का नाम इंग्लिश में कहीं पर भी लिखा हो तो उसको मैं हिंदी में लिखना सिखाऊंगा। यानी 200 प्लस लड़कियों का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आप पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से देखते ही किसी भी लड़की का नाम सही तरीके से पढ़ दे या लिख दे तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लिखा है O-N-I, तो देखिए S के बाद क्या है, O है, और यहाँ पे भी देखेंगे O है, और इसका हिंदी ऐसे होता है, मात्रा भी देख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब S से सौ होता है और O लगा है, यानी सौ में O की मात्रा, तो क्या हो जाएगा सो, और N-I मतलब नी, सुनी। ये लड़की का नाम है दोस्तों, शायद आपने कभी सुना होगा या जो वीडियो देख रहे हो सकता है उन्हीं का किसी का नाम हो। बहुत सारे लड़कियों का नाम इसमें आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये लिखा है आर यू बी आई, क्या लिखा है आर यू बी आई, तो देखिए आर यू यानी आर से र होता है और यू लगा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यू है, ये ऊ है, यानी ऊ की मात्रा लगेगा, छोटी की मात्रा लगेगा। आर यू बी आई यानी ब में बड़ी की मात्रा लग सकता है, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नियम है कि यदि अगर मतलब कि ये बड़ा का तो डबल ई होता ही है, इसका अगर आई रहता है हम लोग बड़ी ई इसका कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, मैं बहुत सारे क्लासेज में समझाया भी हूँ, आगे आपको काम करेगा ये। देखिए ये इंग्लिश डबल ओ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डबल ओ है, लेकिन ये छोटा का भी यूज कर सकता है। वैसे ही बड़ी ई का डबल ई है लेकिन आई रहेगा तब भी क्या होगा, बड़ी ई का यूज किया जा सकता है। जैसे लिखा रहता आर ए एन आई, तो देखिए आर ए मतलब रा और एन आई यहाँ पे क्या नाम है, बड़ी ई की मात्रा, देख सकते हैं ये बड़ी ई की मात्रा है। तो डबल ई जरूरी नहीं है कि डबल ई रहेगा तभी बड़ी ई लगेगा, अगर केवल आई भी रहेगा तब भी होगा। कहाँ पे कैसे होगा सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। खूब ध्यान से दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा है के ए जे ए एल, तो मिलाकर आप पढ़ेंगे तो के ए यानी का, जे यानी ज और एल यानी ल, काजल, कौन सा नाम बना, काजल। एस ओ यानी सो, एस ओ तो सो, एन ए यानी न और एम है तो न, कौन सा नाम बना, सोनम। ये सब लड़कियों का नाम है सोनम। एम ए एच आई, देखिए एम ए मतलब माँ, एच आई मतलब ही, माही, ठीक है ना, माही। ये सब जितने देख रहे ना मात्रा, इन सभी मात्राओं से बनने वाले जितने सारे लड़कियों का नाम है सब मैं आज की इस क्लास में कराने वाला हूँ। ध्यान से दोस्तों देखिए लास्ट तक इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहां से देख सकते हैं ये है दोस्तों आर आई एन ए, तो देखिए आर आई मतलब हो जाएगा री, बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं। एन आई मतलब ना, तो रीना में दोस्तों बड़ी की मात्रा ही लगता है। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिस तरीके से लिखा जाता है वैसे ही सीखना है हिंदी में, जबकि इंग्लिश में कुछ और लिखा जाता है, हिंदी में कुछ और लिखा जाता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम लिखा जाता है कि अलग अलग लिखा जाता है, आपका नाम क्या है कमेंट में लिखकर बताइए। दोस्तों देखिए यहाँ पे जे यू एच आई, तो देखिये यहाँ पे ज में क्या हो जाएगा, बड़ी यू की मात्रा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे यू है, ठीक है, और एच आई यहाँ पे ह में बड़ी की मात्रा हो जाएगा। इस तरीके से होगा जूही हिंदी में, जब इंग्लिश में दोस्तों ऐसा लिखा है कि लग रहा है कि छोटी ऊ की मात्रा होगा और यहाँ पे ह में छोटी ई की मात्रा होगा। तो ध्यान देना है इन सब चीजों पे, प्रैक्टिस जब कीजिएगा मेरे साथ में तो सब कुछ क्लियर होते जाएगा, अच्छे से आप एक एक चीज को दोस्तों सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखेंगे लिखा है एस ओ एन ए एम, देखिए एस ओ मतलब सो,
एन ए मतलब न और एम यानी म क्या हो गया सोनम, R I Y A तो देखिए R I मतलब री, Y A मतलब या, कौन सा नाम बना रिया, G I T A तो देखिए G I मतलब घी, T A मतलब ता, क्या हुआ गीता, ठीक है गीता, BIN देखिए N के बाद A नहीं है या कोई भी ऐसा इसमें से नहीं दिख रहा है ऊपर वाला में से, कहाँ पे ये थोड़ा सा देख लीजिए, तो जो दोस्तों यहाँ पे लिखा है ये सब इंग्लिश मात्रा का, इसमें से कुछ भी एन के बाद नहीं दिख रहा है, कहने का मतलब एन का यहाँ पे अर्थ न के रूप में निकलेगा यानी बिंदी के रूप में निकलेगा, तो BIN यानी BI से बी हो जाएगा और इस एन का मतलब बिंदु हो जाएगा और DU मतलब दू बिंदु, ये कौन सा नाम बना दोस्तों बिंदु। अच्छा अगर रहता SHIN DHU तो इस ये कौन सा नाम बन रहा है दोस्तों कमेंट में करके बताइए, हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों GU तो GU है तो गु, DI यानी री गुड़ी और YA यानी या गुड़िया, कौन सा नाम बन रहा है गुड़िया, SHAI देखिए AI है तो आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आय, तो SHAI यानी श में आय की मात्रा शय, LA मतलब ला, क्या हो गया शैला। उसके बाद देखिए यहाँ पे MI TH I तो देखिए MI मतलब मी, TH I मतलब ठी, कौन सा नाम बना दोस्तों मीठी, ठीक है MA यानी माँ, NI मतलब नी और SHA मतलब शाह, माही मनीषा का भी आप नाम देखते होंगे ऐसे ही लिखा रहता है माही मनीषा, MANISHA ठीक ना, देखिए मनीषा है ऊपर शायद आपको माही मिला है। चलिए आगे देखते हैं मनीषा हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए NISHA तो NI यानी नी, SHA मतलब शाह, क्या हुआ निशा, कौन सा नाम बना निशा, SU यानी सू, DHA यानी धा, दोस्तों लास्ट तक देखिए आपका भी नाम कहीं ना कहीं मिलेगा, यदि आप लड़की है तो लड़का है तो लड़के वाला मैं क्लास कराया हूँ जिसमें बहुत सारे लड़कों का नाम मैं कराया हूँ, एक वीडियो मैं उसका भी अपलोड किया हूँ, यहाँ पे मैं प्रयास करा रहा हूँ कि लड़कियों के नाम अच्छे तरीके से लिखने आ जाए, आप कुछ भी हो दोस्तों लड़का हो या लड़की हो सीखना तो जरूरी है ना, इसके हेल्प से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिखा है गोलू सॉरी गोली, GO तो गो, LI मतलब ली गोली, ठीक है। उसके बाद देखिए SU यानी सू, HA यानी हा, NI यानी नी, क्या हुआ सुहानी, MA यानी MARIYA यानी मारिया, क्या हो सकता है मा रि या, क्या होगा मारिया, SA यानी स, RI यानी सू, TA मतलब ता, क्या हो गया सरिता, KA यानी क, VI यानी वी, TA यानी ता कविता, क्या हो गया कविता, सरिता कविता। उसके बाद देखिए SA यानी स, BI यानी बी, TA यानी ता सविता, FA यानी प, GU यानी गु, NI मतलब नी फगुनी, KI मतलब की, RA र एन से अड़ा, क्या हो गया किरण। देखिए उसके बाद देखेंगे AA यानी आ, RO यानी रो, HI मतलब ही आरोही, कौन सा नाम बन रहा है दोस्तों आरोही, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आरोही के बाद बहुत सारा नाम है देखते चलिए, RIYA देखिए PRI यानी पी, पी के तुरंत बाद आर है, इसका मतलब है कि प में ऐसे पदेन र लगेगा यानी प्र हो गया, और आई है यानी प्री, YA यानी या प्रिया, ठीक ना। वही देखेंगे दोस्तों PRI यानी ये भी होगा पी, YAN यानी यंग, KA यानी का प्रियंका, कौन सा नाम है प्रिया प्रियंका,
एस यू यानी सू, जी ए यानी ग, और देखिए एन है फिर यानी बिंदी हो जाएगा, तो गंधा, सुगंधा, ठीक है। PARI, पी से प आर आई यानी री, परी, परी, ठीक है। बहुत सारे लड़कियों का नाम दोस्तों परी भी होता है। एस ए यानी सा, भी आई यानी वी, पी आर आई यानी त्री, सावित्री, क्या हो जाएगा सावित्री। एन आई यानी अ, एस एच ए यानी शाह, कौन सा नाम बना अनिशा। भी आई यानी वी, एम ए मतलब म, एल ए मतलब ला, विमला, कौन सा नाम बना विमला। डी आई यानी दी, वाई ए यानी या, दिया, ठीक ना, दिया। अच्छा अगर रहता दोस्तों डी डबल ई ए, ये कौन सा नाम है, ये हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कमेंट में आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आई आर ए, तो आई से ई हो जाएगा आर ए यानी रा, ईरा, ठीक है ईरा। एच आई यानी ही, एम ए एन यानी मान, एस एच आई मतलब सी, हिमांशी, कौन सा नाम बना दोस्तों हिमांशी। आई एस एच ए, तो आई मतलब ई, एस एच ए मतलब शा, ईशा। पी डबल ओ यानी पू, एन ए यानी न, एम मतलब मा, पूनम। आर डबल ओ यानी रू, पी ए मतलब प, एम से म, रूपम, ठीक है। के ओ यानी को, एम ए मतलब म, एल से ल, क्या हो गया कोमल, क्या हो गया कोमल, ठीक है। कोमल के बाद देखिए एम ए एन ओ यानी मानो, मानो। आर ए यानी र, एम ए मतलब मा, मनोरमा, कौन सा नाम बना मनोरमा। ए एन जी ई एल, ए एन यानी एन, ए से अ होगा तो अंजेल। ऐसे दोस्तों एंजेल भी आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं एंजेल, ठीक है, इस तरीके से भी, लेकिन एक्चुअल में अंजेल इसको पढ़ा जाएगा, एंजेल भी ऐसे नाम लिखा जाता है। कुछ ऐसे नाम होता है कि उसके स्पेलिंग में थोड़ी सी अलग ही होता है, जैसे देखते होंगे लिखा रहता है वी आई सी के वाई, तो इसको दोस्तों की लिखा जाता है, जबकि देखते होंगे अलग ऐसे लिखा है वी आई सी के वाई, इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक ना। अच्छा एक और नाम देखते हैं एम ए डबल आर वाई, इसको दोस्तों मैरी पढ़ा जाएगा, तो ध्यान देना है, कुछ कुछ नाम मिल जाता है, घबराना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पे आर ए के एच आई, आर ए मतलब रा, के एच आई मतलब खी, क्या हो जाएगा राखी, कौन सा नाम बना दोस्तों राखी। आर आई एम ए, आर आई मतलब री, एम ए मतलब माँ, क्या होगा रीमा। एन आई टी ए, ए यानी अ, एन आई मतलब नी, टी ए मतलब ता, अनीता, ठीक है अनीता। एस डब्ल्यू ई टी ए, एस डब्ल्यू ई यानी एस है तो आधा स हो जाएगा, एस के बाद कोई भी वोवेल लेटर नहीं है, डब्ल्यू से व हो जाएगा, ई है तो श्वेता, क्या बन रहा है श्वेता। एम ई जी एच ए, तो एम ई मतलब मे, जी एच ए मतलब घा, कौन सा नाम बना दोस्तों मेघा। आर ई मतलब रे, के एच ए मतलब खा, रेखा। जी ए यू, देखिए ए यू है तो औ के सेंस में निकलेगा इसका ऐसे, ठीक है, और इसका मात्रा भी बिल्कुल अलग होगा, तो देखिए जी ए यू यानी गौ, क्या हो जाएगा गौ, आर आई मतलब री, गौरी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या है, एस यू यानी सू, एफ आई यानी फी, वाई ए यानी या, सूफिया, ये भी है। जी ए देखिए यहाँ पे जी ए ग, आर आई री, एम ए मा, गरिमा, ठीक ना। अच्छा एक एक नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको कमेंट करना है, जैसे आर आई टी आई के
ए, ठीक है, इसको बताना है कि ये क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे है आर आई यानी री, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ी सी मिलाकर, डी है फिर डी है और डी के साथ एच है, मतलब देखिए एक तो आधा द हो जाएगा और एक ध के सेंस में निकलेगा। और यहाँ पे आर आई का हिंदी क्या होगा, यहाँ पे आर आई का तीन ठो हिंदी निकलेगा, एक तो छोटी री के सेंस में, एक बड़ी री के सेंस में और ये जो री होता है इस सेंस में। तो इस नाम में दोस्तों कौन सा लगेगा, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान देना है ये वाला लगेगा जो कि रिद्धि होता है। क्या होता है, रिद्धि। देखिए देखते होंगे कहीं पे लिखा रहता है रिद्धि सिद्धि, तो ये होगा दोस्तों इस तरीका से री, और देखिए द में फिर ध ऐसे संयुक्त और इस तरीके से, ठीक ना, रिद्धि। सेम यही चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, एस आई यानी सी हो जाएगा और ये डी और फिर डी एच आई यानी द में ये ध संयुक्त होगा और ऐसे होगा, ठीक ना, सिद्धि। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे डी आई टी आई, तो ए से अ, डी आई यानी दी, टी आई मतलब ती, क्या हुआ, अदिति, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखते हैं सी डबल एच ओ यानी छो, छोटी आई यानी टी, क्या हुआ, छोटी। उसके बाद देखिए दोस्तों बी यू सी एच, फिर सी एच है यानी एक आधा च है फिर पूरा च होगा, यानी बी यू है तो बू, आधा च फिर पूरा च और ऐसे, ठीक ना, ये नाम बना। पी आई एच यू, देखिए पी आई तो पी, एच यू यानी हु, पी हु, क्या बना, पी हु। उसके बाद देखिए पी यू आर वी आई, देखिए आर के बाद कोई भी भवे लेटर नहीं है, इसका मतलब ये तो आर क्या, तो या तो आधार रॉ बनेगा या रेफ की मात्रा या री, जो भी बने यहाँ पे मिलाकर पढ़ने पे क्लियर होगा, है तो पू हो जाएगा और आर वी आई यानी ऐसे होगा, ठीक ना, पूर्वी, ये नाम है, ठीक है। सी एच ए एन, तो सी एच एन च है, ए एन यानी बिंदी हो जाएगा, डी ए मतलब दा, क्या हो गया, चंदा। ए एन, एन के बाद भी कोई लेटर नहीं दिख रहा है भवेल का, ठीक ना, डायरेक्ट एस एच है, यानी ये हो जाएगा ए एन यानी अन, एस एच आई यानी सी, के ए यानी का, क्या हो गया, अंशिका, ठीक है, अंशिका। उसके बाद देखिए दोस्तों आर ए यानी रा, डी एच ए यानी धा, क्या हुआ, राधा। एन डबल ओ यानी नू, आर आई मतलब री, कौन सा शब्द बना दोस्तों, नूरी, ठीक है, नूरी। चलिए इसके बाद देखते हैं एम ए एन वी आई, तो एम ए यानी माँ, एन यानी आधा न, वी आई मतलब ये मानवी, ठीक है ना। एस ए यू यानी सौ, एम यानी आधा म, वाई ए यानी या सौम्या। आर ए जी यानी राग, वी ए एन ए यानी वानी, रागवानी, ठीक है। उसके बाद देखिए एन ई यानी ने, एच ए यानी हा, नेहा, ठीक है। आर आई यानी री, टी यू यानी तू, रितु। एम आई एस टी आई, देखिए एम आई एस एस टी आई यानी मिष्ठी, क्या हो जाएगा, एक नाम होता है दोस्तों इसे मिष्ठी। एम ए वाई ए, तो एम ए यानी माँ, वाई ए यानी या, माया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए एस यू यानी सू, एल ई यानी ले, के एच ए यानी खा, सुलेखा। वी ए एन यानी वी ए यानी वी से वह बिंदी लग जाएगा, ए एन है तो, डी ए एन ए यानी वंदना, कौन सा नाम बनना, वंदना। जी यू यानी गू, एल ए यानी ला, बी ओ मतलब बो, गुलाबो। एस एच आई यानी शी, एल ए यानी ला, क्या हो गया, शीला। टी यू आर यानी पू, ये पूर्वी, सॉरी ऐसे पूर्वी। दोस्तों मैं आपको पांच नाम बोल रहा हूं,
उसका आपको इंग्लिश लिखकर कमेंट करना है कि कितना आप सही लिख रहे हैं। चलिए पहला नाम है दोस्तों आर ए जेड आई वाई ए, ठीक है। दूसरा नाम है एस ए के आई एन ए, ठीक है। तीसरा नाम है दोस्तों एम ए आई आर यू एन। चौथा है एम ए टी एच ए वी आई, ठीक है। और पांचवा है एल वाई ए एन आई। ये पांच नाम है दोस्तों।